मैं आजादी बचाओ आंदोलन के काम में लगा हुआ हूं। ये काम मैं कोई बहुत खुशी से नहीं कर रहा हूं। मेरे दिल में कुछ दर्द है इस देश की हालत को देखकर। ये उसका परिणाम है आजादी बचाओ आंदोलन। और ये दर्द क्या है? दर्द ये है कि हिंदुस्तान की जो हालत है आज के समय में, माने आजादी के बाद भी, वो इतनी दर्दनीय है, इतनी शोचकारक है, परेशान करने वाली है कि जो किसी भी संवेदनशील आदमी को अंदर से हिला सकती है। मुझे जो सबसे बड़ा दुख है इस देश की हालत के बारे में, वो दुख इस बात का है कि ये देश आजाद जरूर हुआ है, लेकिन सच्चाई में ये देश जितना गुलाम अंग्रेजों के जमाने में था उतना ही आज भी है। बस फर्क इतना है, मैं उसको ऐसे कहता हूं कि आजादी के पहले इस देश में गोरे अंग्रेजों का शासन चलता था और आजादी के बाद इस देश में काले अंग्रेजों का शासन चल रहा है। माने जो लोग इस देश पर शासन कर रहे हैं, जो राज कर रहे हैं, वो शरीर से दिखने में हिंदुस्तानी है लेकिन आत्मा उन सबकी अंग्रेजियत वाली है।